चुर्र हो जाएगा, चुर्र हो जाएगा। अब या तो मेरी सज्जा पर लाने की हाँ कर दो, वरना ये माच चली इधर लगी। हाँ बेटे से चिल्ली, मैं तेरी सज्जों को ले जाऊंगा। तेरी कोई नहीं मानता, अम्मी बता तेरा क्या डिसीजन है। बेटा तू बदल फेंकते, मेरी सज्जों को तुझे ला के दूंगी, तेरे घर में ला के दूंगी। ला अबू, हाँ ला के दूंगा भाई। तू लाएगी अम्मी? हाँ लाऊंगी। तो तैयार हो? ठीक है, मरना कैंसिल, मरना कैंसिल। अरे क्या बताऊं शेख चिल्ली की अम्मी, मेरी तो जान मुसीबत में आ गई। अजी कैसी मुसीबत? मुसीबत, वहाँ जाऊं तो वो साले लड़ेंगे, ना जाऊं तो मेरा शेखू मर जाएगा, क्या करूं मैं? अजी जाओ तो सही, और उन्हें प्यार से समझाना कि मैं अपनी जिम्मेदारी पे लेके जा रहा हूँ, और बहू को ले आना। अभी तो है मामला गरम, देख ले बेगम कभी और सांग जुड़ जावा, मेरा तो मन कर नहीं रहा। और मेरा लौंडा मर गया तो? चल तो शेख चिल्ली की अम्मी तू भी मेरे साथ चल। क्यों, अकेला तो मैं जाऊंगी, मुझे अकेले को लगे डर। अबू अम्मी अभी गए ने सज्जो को लेने, लानी नहीं है क्या? जा रही हूँ बेटे, जा रही हूँ, तेरी सज्जो को तेरे घर में ला के दूंगी, तू चिंता मत कर। और बोल। ठीक है चलो निकलो। चल शेख चिल्ली की अम्मी मेरे कपड़े निकाल, और तू सुन ले, दो दिन बाद आएंगे हम, दो दिन लग जाएंगे समय उसे समझाने बुझाने में। ठीक है ठीक है, आजियो ए वासिल, अगर दो दिन में ना आए ना तो तीसरे दिन वही आ लूंगा। हाँ ठीक है। अगर ना आए ना याद रखियो मट्टी का तेल की बोतल और माचिस। मेरा नाम शेख चिल्ली है। सज्जो तूने रोटी खा ली? हाँ भाभी। चौधरी साहब दरवाजा तो खोल दिया, देखियो कौन है। भाभी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं उनके अबू भी तो नहीं है। अरे बेटी सज्जो दरवाजा तो खोल जरा बेटा। अब क्या होगा भाभी? डर मत बेटी, अगर वो हुआ ना तो आज जिंदा नहीं जाएगा। अस्सलामुअलैकुम रहमत भाई। आइए अंदर आइए, रिश्तेदार हैं तुम्हारे। अंदर चल। बेटी रस्ती ला। अबू रस्ती तो है नहीं। अरे रहमत भाई हम तो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, हमें रहम करो। बाहर में गई रिश्तेदारी? अब रिश्तेदारी झाड़ रहे हो? जब ना दिखाई दिया है, जब हमारे नंद को तीन दिन तक भूखा मारा। अरे हमने कब भूखा मारा, हमने तो इसे सदा प्यार करा बेटी की तरह, इसमें तो अचानक हवासी भर गई। हमारे यहाँ ज्यादा बोलना मना है, मुँह में लठ दे दूंगा। क्या? अरे सज्जो बेटी इन्हें अपने घर वालों को समझाओ, इसमें भारी क्या गलती है। मैं कुछ नहीं कह सकती अब्बू, जो मेरे घर वाले कर रहे हैं वो ठीक है। सुन लिया, अपना भाषण बंद करो। अब इसे अंदर बंद करो और चार दिन तक खाना नहीं देना इसे। इनसे पूरा बदला लेना है, ले चलो इन्हें अंदर। चलो चल। Oh!
सज्जा भी छोड़ के चली गई साली मुझे दो दिनों के भूखे को छोड़ के चली गई मुझे। अब्बू अरे अब्बू अभी पता नहीं कहाँ जाके मर गए, दो दिनों के अभी आए नहीं है। आए अब्बू मैं तो घर एक तरह रो रहा हूँ। सारे आंसू निकल ले आए अम्मी, अम्मी कब आएगी, अब्बू को मिलेगी साठ को सभी लेगी आए अम्मी। साली सज्जा भी चलेगी छोड़ के मुझे, सज्जा भी चलेगी मुझे छोड़ के चलेगी, सब छोड़ के मुझे भूख लग गई, दो दिन हो गए भूख लग गई मुझे, एक काट भी पड़ा हो जाऊँ से। अबे अबे साले काट टूट गई, अब अपनी मारे की काट टूट गई आए अम्मी। मैं दो दिन हो गए भूख लग मुझे छोड़ के आराम से आने अब देख के अब फंसा जाल में। आए अम्मी कहाँ चली गई अब्बू को लेके, अभी चलता हूँ और आग लगाता हूँ। आए अब्बू कहाँ गया अल्टीमेटर भाई, क्या हुआ क्या सुन रहे हो? नहीं बताता मैं, अब्बू अम्मी वहां चले गए दो दिन हो गए मुझे भूख लग रही है, सज्जा को ले ले गए अभी आए नहीं है। अरे गुटका खा रहा है आज भी? अबे शेख भाई गुटका नहीं, मैं चिंगम खा रहा हूँ। चिंगम खा रहा मैं उल्टी सीधी सी सटकने का ठेका तर ले रखा। अरे मेरी छोड़, ये बता तू क्यों रो रहा भाई? भाई जान मैं रो रहा हूँ, अम्मी और अम्मी सज्जा को ले गए दो दिन हो गए अभी आए नहीं, अरे मुझे भूख लगी रही है। सज्जा को ले गए? अबे शेख भाई वे तो लड़ाई में गए, तुझे जाना चाहिए था, कभी वे फिर कूट दे। ओए हाँ सही बोल रहे भाई जान, ऐसा ना हो कभी साले अम्मी को रब्बी को कूट दे। ठीक कह रहे, मुझे जाना चाहिए। ठीक है तू निकल ले, निकल जरूर जाइए, बाप जरूर जावे ना जावे, तू ऐसे कराना आया साला उल्टे सीधे पहाड़े पड़ाना आज भी आवा साले। जाना चाहिए, ओए हाँ जाना चाहिए मुझे। ठीक है आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ अब्बू, आ रहा हूँ मैं सज्जा, आ रहा हूँ मैं, आ लिया मैं साले, अभी आ लिया मैं, दो दिन हो गए पहले कहीं दो दिन आया था, तीसरे दिन आ लूँगा, आ लिया मैं, आ रहा हूँ। रोटी पकाने बेटे? हाँ बेटे, रोटी कुत्तों को डाल देना लेकिन इन कमीनों को नहीं देना है। देखो जी दो दिन हो गए ना इन्होंने रोटी दी है ना इन्होंने पानी दिया है, और रोटी कुत्तों को डाल रहे हैं, कितने बेरहम लोग हैं ये। पता नहीं हमारी बहू इतनी क्यों बदल गई, मुझे तो प्यास लग रही थी, मेरा तो गला सूखा जा रहा है। देखो वो सज्जो जा रही है। अरे सज्जो बेटा मुझे जरा सा पानी पिला दे। हाँ बेटी पिला दे थोड़ा पानी तो पिला दे। क्या कहा पानी, वो भी मेरे हाथ का, ये घर तेरे बाप का है, और अभी तो मैं इस घर के किराया भी लूंगी अपने अब्बू से कह के। क्या बात है तुझे? कुछ नहीं भाभी, पानी मांग रहे हैं। पानी? पानी चाहिए? लग गई प्यास, लग गई भूख दो ही दिन में, और जब मेरी नंद तीन तीन दिन तक भूखी रही जब ना होशाई तुम्हें। अरे हमने कभी से कल मुंह ही को भूखा रखा। चुप कर जा नहीं तो तेरे मुंह में आग लगा दूंगी। शर्म ना आती तुझे बोलते हुए, बेशरम कहीं की सूखी अभी। चल सज्जो इनके मुंह नहीं लगते। मौज मार रहे अब्बू भी आ गया, अब देखूंगा।
लेती तो अच्छा था, मैंने तो तुम्हारे लिए ही पकौड़ी बनाई थी। चल तू बाद में खा लेना। हाँ बाबू, मुझे नींद आ रही, मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है, आप सो जाओ, मैं बाद में खा लूँगी। ठीक है, खा लेना। भगा दो और आप यही रहना, नहीं तो भाई और अब्बू मुझे मार डालेंगे। वे तू ये क्या कह रही है? हम तो माफी मांग लेंगे। क्यों अब्बू, हम तो अपने घर ही ठीक है, है ना अम्मी, है ना अब्बू? ठीक है बेटी, ठीक, हम तो यहाँ बहुत बुरे फंस गए बेटा, हमें तो तू भगाई दे। मुझे तो डर लग रहा है,
कहीं इसके अब्बू फिर ना आ जाए। मैं क्या ऐसे ऐसे करूंगा, मैं भी चलूं और तुम भी चल, निकल ले। जी तुम तो यहीं रहना, इनसे मेरे अब्बू नाराज नहीं है। ठीक है अब्बू, निकलो और मौज करो। अब सुबह आऊंगा मौज सामा, मैं तो निकल जाओ। सज्जो इन तीनों को खाना मत देना, भूखा रखना इनको। वाह साला मुझे झड़ाने के चक्कर में हो, वाह दरवाजा खोलना मत, इकला हूँ। वाह दरवाजा खोलना वरना बहाना अंदर ही कर दूंगा। मेरा नाम शेख चिल्ली है, मैं पागल बहान दिया शेख चिल्ली को। तेरे माँ बाप कहाँ हैं? कहाँ गए वो? सच्चे इधर आ, ए इधर आ। किसने भगाया है इनको? भैया ये इन्हीं की चाल होगी, इन्हीं से पूछो, यहाँ लाके लड़ जाओ उनके ऊपर, इन्होंने भगाया वो नहीं। बाल लड़ से पिटवाएगी, लड़ से मरवाएगी सारी। बगैर पिटे नहीं मानेगा। ऐसे नहीं बताएगा ये, मैं अभी इसका इलाज जानता हूँ। इलाज जानो, ये भी इलाज जाना साले, मैं तो और सारा इलाज जानो। हाँ भाई अब बता क्या हुआ? सरकार हम बर्बाद हो गए। कैसे बर्बाद हो गए? साहब हमारी बहन के सास ससुर आए थे, दो दिन तक खातिर पानी करी, सारा माल ले गए चुरा कर। तो मैं कैसे पता सारा माल वही ले गए चुरा कर? मेरी बेटी गवाह है। क्या तुमने उन्हें ले जाते हुए देखा? हाँ जी मैंने उन्हें जाते हुए देखा था, जब वो सामान चुरा कर भाग रहे थे तो मेरी आँख खुल गई थी,
लेकिन वो भाग गए, मेरे शौहर अंदर रह गए और हमने उन्हें बंद कर दिया। ओए मरवावे की साली कमबख्त। अच्छा उसे बंद कर दिया है, ये बात है, कहाँ है? कमरे में। हाँ कौन सा गांव है उनका? जी उनका गांव है किनापुर, कलछिने के पास, जिला गाजियाबाद। हाँ भाई तुम पहचानते हो उसे? हाँ जी मैं पहचानता हूँ, चलो। अब पता चलेगा हमसे टकराने का नतीजा कि हम भी क्या चीज हैं। यही घर है जी। क्या नाम है इनका? जलालुद्दीन है जी। जलालुद्दीन बाहर निकल। जलालुद्दीन कौन है भैया? बात है चले घर में। हाँ भाई अब बता चोरी का माल कहाँ है? शर्म नहीं आती, जिस घर में खाते हो उसी में चोरी कर रहे हो। जा भाई बुला के लाओ उसे भी। चोरी करते बैठे ने घर में चोरी। बेटी सज्जो पता है मैंने तुझे आज तक तो की रखा हो, पता है बेटी, बता दे बेटी। चुप करो सब, मुझे नहीं बता। अबे मेरी समझ में तो कुछ आया नहीं, खुल के बताओ क्या बात है। अरे बेटी माफ कर दे, तेरे पैर पकड़ू, तेरे हाथ जोड़ू, माफ कर दे, सच बता दे बेटी। नहीं सच बता दे, मैं माफ नहीं करूंगी। अरे मैं यूं कहूँ ये मत दिखा तेरी चरित्र। ये क्या ड्रामा है, हमारी समझ में तो कुछ आया नहीं। इंस्पेक्टर साहब आप रुकिए, मैं बताती हूँ। अबू अम्मी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। क्या मामला सच्चो, हमारे तो समझ में नहीं आया कुछ भी। भाभी मैं क्या करती, शेख जी मुझसे रोज कहते थे कि मुझे तेरे चरित्र दिखा दे,